मेरा नाम पवन अग्रवाल है और मैं भारतीय जनता पार्टी का महानगर संयोजक सुबह प्रकोष्ठ हूँ। ये फैसला लिया मैं इस्लाम धर्म अपनाऊंगा। आज जो ये चोला भारतीय जनता पार्टी का, ये तो मेरे गले में हमेशा रहेगा। फर्क इतना होगा, एक महीने बाद जो रमजान पाक चल रहा है और आज मंगल का दिन, इस व्रत को मैं साक्षी मान कर कहता हूँ कि एक महीने बाद ये इस्लाम जो आप देख रहे हैं ये मेरे सर पर होगा और हमेशा के लिए होगा। और इस इस्लाम को मैं अपने दिल और जान और पूरे धर्म के साथ इसका भी पालन करूंगा और इसको निभाऊंगा। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी खबर है कि एक बीजेपी का कार्यकर्ता जिनका नाम पवन अग्रवाल है, इन्होंने सबके सामने अलल ऐलान इस्लाम कबूल करने का दावा किया है। क्या है इसके पीछे की हकीकत? क्या ये सच में इस्लाम को कबूल कर रही है या ये एक सियासी प्रोपेगेंडा है? और आपको बता दें कि ये खबर यूपी के एक जिले की है और इस खबर को हमने वन इंडिया न्यूज चैनल से लिया है। दोस्तों, पहले आप इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद हम आपसे आगे बात करते हैं। ऐसा है, मेरा नाम पवन अग्रवाल है और मैं भारतीय जनता पार्टी का महानगर संयोजक सुबह प्रकोष्ठ हूँ। भाजपा सरकार आ गई, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी के पद पर था। अगर ये किसी और की सरकार होती, इस न्याय के लिए मैं लगातार लड़ रहा था, अपने धर्म में लेकर लड़ता। लेकिन इन अधिकारियों का ये कहना है कि भाजपा शासन काल में उच्च जाति के हिंदू को जीने का अधिकार नहीं। अगर ये बात सत है तो मैं भारतीय जनता पार्टी में रह करके ही इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हिंदू रहना अगर मेरा गुनाह है, उच्च जाति का हिंदू होना मेरा गुनाह है, तो इस गुनाह को मैं दूर कर देता हूँ। ये फैसला लिया मैं इस्लाम धर्म अपनाऊंगा। आज जो ये चोला भारतीय जनता पार्टी का, ये तो मेरे गले में हमेशा रहेगा। फर्क इतना होगा, एक महीने बाद जो रमजान पाक चल रहा है और आज मंगल का दिन, इस व्रत को मैं साक्षी मान कर कहता हूँ कि एक महीने बाद ये इस्लाम जो आप देख रहे हैं ये मेरे सर पर होगा और हमेशा के लिए होगा। और इस इस्लाम को मैं अपने दिल और जान और पूरे धर्म के साथ इसका भी पालन करूंगा और इसको निभाऊंगा। लेकिन जब हाल ही में 2 महीने हो गए सत्ता को आए हुए, तो बिल्कुल साफ प्रतीत हो गया कि जनता के आंसुओं को नहीं समझा जा रहा और पुलिस और जो अपराधी थे, अपराध लगातार बढ़ा और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ा। इसकी जब आवाज उठाई गई, मैंने अपनी बात मानी योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाई और दिन में नहीं तो 20-20 मैंने ट्वीट भी करे, लिखित में भी दी। तो कुल मिलाकर एक रिजल्ट 2 महीने के अंदर इतना सामने आया कि जो आपराधिक अधिकारी थे उनको मिलाईदार पोस्टें दी गईं, उनको प्रोत्साहन दिया गया और यहाँ तक कि भाजपा के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की जो बेकदरी हो रही है, जो लगातार पिटाई हो रही है, शासन के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं, उससे स्पष्ट हो चुका है कि भाजपा शासन काल के अंदर अब भाजपाइयों का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का लगातार उत्पीड़न बढ़ रहा है। जब इस बात को लेकर मैं मुरादाबाद जनपद के अधिकारियों से मिला तो उनके शब्द इस प्रकार थे कि जब उन्होंने गाली बक्कर अवरब भी आवार करा, तब मैंने उनसे ये बात कही कि भाजपा शासनकाल के अंदर ऐसा नहीं चलेगा। तो उनका ये कहना था कि तुम उच्च जाति के हिंदू हो, तुम्हें जीने का अधिकार नहीं, तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा, तुम कोई ऐसी एक्ट के नहीं कि जो तुम पर जो है कि तुम्हारे को गाली बकने पर मुकदमा कायम हो। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि आम आदमी को या पार्टी के कार्यकर्ताओं को इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि उसका कारण है, मैंने पहले भी कहा था कि सांसद के अंदर मैंने जिस व्यक्ति के आंसू देखे थे कि पुलिस किस प्रकार फर्जी मुकदमे लगाती है, उस व्यक्ति के आंसुओं में जो एक ताकत थी, एक संवेदना थी, और सरकार की गद्दी पर आने के बाद वो खत्म हो चुकी है। आम जनता के आंसू नहीं नजर आ रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं के आंसू नजर नहीं आ रहे। तो दोस्तों, अब आपको इस बात का अंदाजा तो हो गया होगा कि इनका मकसद सच्चे दिल से इस्लाम कबूल करके उस पर अमल करना नहीं है, बल्कि ये अपनी मांग मनवाने के लिए या फिर पिछड़ी जाति से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया है, जिससे कि समाज में इन्हें भी सम्मान मिले और इनको एक ऐसी कम्युनिटी मिले जहां पर कोई भी जात पात का सिस्टम ही ना हो। जी हाँ दोस्तों, इस्लाम के तमाम खूबियों में से एक बहुत बड़ी खूबी ये भी है कि इस्लाम में कोई भी मुसलमान किसी भी दूसरे मुसलमान पर फौकियत नहीं रखता है। एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला शख्स भी बादशाह के बगल में खड़ा रहकर नमाज पढ़ सकता है और तो और उनके आगे इमामत भी कर सकता है। दोस्तों, यही वजह है कि आजकल की मीडिया इस्लाम को, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा करती रहती है, क्योंकि वो जानती है कि इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जहां पर डिस्क्रिमिनेशन की कोई भी गुंजाइश नहीं है। और अक्सर पिछड़ी जाति के लोग इस्लाम को ही कबूल करना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ ऊंच नीच का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसी वजह से लोग और धर्मों में जाने की बजाय इस्लाम को ही तमाम धर्म से बेहतर पाते हैं और इसे ही अपना लेते हैं।
लेकिन ये चीज यहाँ के तासुब पसंद मीडिया और यहाँ के तासुब पसंद नेताओं को पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से ये इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कभी एक्स मुस्लिम का सहारा लेते हैं तो कभी मुसलमानों को इतना मजलूम बना देते हैं कि उनकी रोजी रोटी को ही छीनने लगते हैं, जिसकी वजह से लोगों में ये मैसेज जाता है कि मुसलमानों का भारत में रह पाना अब बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए अब वो मुसलमान होने से ही डरने लगे हैं, जिस वजह से अब वो इस्लाम कबूल ना करके ईसाइयत या बुद्ध मत को कबूल कर लेते हैं। दोस्तों वाजे रहे, ये मैं उन लोगों की बातें कर रहा हूँ जो लोग अपने धर्म के लोगों से परेशान होकर धर्म परिवर्तन करते हैं, ना कि इस्लाम पर रिसर्च करके या इस्लाम से मुतासिर होकर धर्म परिवर्तन करते हैं या मजहब तब्दील करते हैं। दोस्तों अब आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हर रोज़ एक नॉन मुस्लिम की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शादीशुदा जिंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा, क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर रابطہ करें। सिर्फ एक ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है।